नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने घर के साथ के इस छोटे से जंगल में आया हूँ जहाँ चीड़ के पेड़ हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो इन्हीं चीड़ के पेड़ों पर आधारित होगी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि चीड़ के पेड़ से जो इसकी राल निकाली जाती है, जिसे बिरोजा कहते हैं, वो किस प्रकार निकाली जाती है। ये चीड़ का पेड़ आप देख रहे हैं, चीड़ के ये विशाल पेड़ हमें ठंडी हवा, ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ में इनसे निकलने वाली राल जो इस प्रकार के लोहे के शंकु आकार के पात्रों में, बर्तनों में इकट्ठी की जाती है, ये एक एंटी बैक्टीरियल पदार्थ है जिसका उपयोग हम जख्म पर कर सकते हैं। इसके साथ में इसका उपयोग कई प्रकार की गोंद बनाने में, थिनर बनाने में, तारपीन का तेल जैसे पेंट को पतला करने के लिए जो हम उसमें डालते हैं, इसका उपयोग होता है। अब ये पात्र लगभग पूरा भर चुका हुआ है। इसको निकालने के लिए चीड़ के पेड़ में एक खास हिस्से की छाल निकाली जाती है और फिर उस पे तेज औजार के साथ इस प्रकार के ये कट लगाए जाते हैं और नीचे एक लोहे का ये एक छोटा सा टुकड़ा जहाँ पर कि ये राल सारी इकट्ठी होती है और फिर यहाँ से जैसे इस पात्र में ये गिरती। इस राल को इन पात्रों में इकट्ठा करने के बाद इन्हें टीन में डाला भरा जाता है, जैसे कि यहाँ ये कुछ कंटेनर्स रखे हैं। ये पूरा भरा हुआ है, ये अभी खाली है, ये भी पूरा भरा हुआ है और फिर इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ही बाजार में बेचा जा सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इसे खुद खरीदते हैं और फिर इसे आगे कारखानों में भेजा जाता है। तो अब हम मिलेंगे श्री हंसराज जी से जो कि बिरोजा इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमारे YouTube के दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार, और हम जानना चाहेंगे कि आप किस ढंग से इकट्ठा करते हैं। इनको एक खाली कर रहे हैं और इस बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं, टीन में, है ना? हाँ। तो और ये आपके हाथ में इन बॉटल्स में क्या है? एसिड होता है, तेजाब होता है। इसमें तेजाब है तेजाब है और ये लाइन निकालने ये के लाइन लिए। निकालने के लिए है। और ये दूसरी बॉटल में ये पानी पानी है, इसको इसको पीने के लिए, पीने के लिए पानी। तो ठीक है, आप चलो और हम हमारे दर्शकों को बताओ कि कैसे आप लाइने लगाते हैं और कैसे इसको इकट्ठा करते हैं और इसको आप फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बेचते हैं? ना, फॉरेस्ट में वैसे काम तो ये उन्हीं का ही है ना, ये हाँ तो सिर्फ एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ठेका है, बाकी वो उन्हीं का ही है सारा। अच्छा, फॉरेस्ट से आप, आपको एक टीन के पैसे देते हैं वो? हाँ जी। अच्छा, और कोई पैसे नहीं लेते आपसे? अच्छा, आप एक टीन भर के उनको दोगे और आपको कितने पैसे देंगे इसके? वो हमारे को इस टाइम देते हैं 250 रुपए देते हैं। 250 रुपए एक टीन का? तो एक सीजन में आप कितने टीन निकाल लेते हो इस टाइप के? एक सीजन में यही को 250 की टीन निकल जाता है। 250 टीन एक सीजन में। और सीजन कब से कब तक चलता है ये? मार्च 15 से नवंबर 15 तक चलता है। मार्च 15 से नवंबर 15 तक। तो ठीक है, अब आप हमें बताएं कि आप किस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो ये हंसराज जी अब बताएंगे हमें। औजार लिया हुआ, इससे हम लाइन निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे करके हमने लाइन निकालनी है इसमें। लाइन निकल गई, फिर उसके बाद इसको तेजाब देना है, एसिड लगाना इसमें। हाँ जी। जो कि डाइल्यूट एसिड होता है। हाँ जी, ये कौन सा होता है, कुछ पता है इसका? ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड मिला के। ठीक 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 फिर
उसके बाद ये जो गमला है भरा हुआ है ये तो पहले आपने खाली करना इसको, इसको खाली कर लेना फिर दोबारा लगा देना। हाँ ये टीन तो आपका भर गया, तो आपका 250 रुपए इकट्ठा हो गया लगभग। काफी मेहनत का काम है ये, मेहनत तो बहुत ज्यादा है सर। हाँ और इसको ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, है ना? नहीं, क्योंकि इसकी पकड़ है। मैं कई बार हम अखबारों में देखते हैं इसकी बिरोजी, इसको बिरोजा बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में, और पाइन का रेजिन हम बोल सकते हैं, पाइन रेजिन। और ये कीप खाली करके इन्होंने फिर से लगा दी। अच्छा जितनी बार कीप लगाएंगे, अच्छा ये एक और कीप लगी हुई थी। हाँ ऐसा होता ना, मतलब हफ्ते में हम एक ही बार आते हैं पेड़ को, मतलब इसको पलटने के लिए। मतलब अच्छा हफ्ते में भर जाती है, खाली करने के लिए एक हफ्ते में ये भर जाती है। हाँ एक हफ्ते में भर जाती है। हाँ और फिर और निशान लगाते हैं उसके बाद, जब जितनी बार आएंगे उतनी बार और निशान लगाएंगे। बार आएंगे उतनी बार नए निशान, नए लाइन निकालेंगे, नए लाइन, एक लाइन नई, एक नई। अच्छा अच्छा ठीक, एक लाइन नई, इसका मतलब इस पेड़ तक आप तीसरी बार आए आज। जैसे इसमें ये तीन निशान है, चार बार आया। पहली बार अच्छा वो लगाया, इसको फिट किया आपने। हाँ जी ठीक ठीक है अंशराज जी। 32 लाइनें निकालनी होती है हमने, जब बत्ती पूरी हो गई हमारा। अच्छा 32 लाइन एक पेड़ में, आप 32 लाइन से ज्यादा नहीं लगा सकते। नहीं, अच्छा वो कानूनन उसकी, कानून उसकी इजाजत नहीं देता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हमारा। ठीक 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 है अंशराज जी, धन्यवाद। ठीक है सर।